मैं अभी तक 26 देश घूम चुका हूँ, हजारों लोगों से मिल चुका हूँ। पिछले 24 सालों में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग्स दी। जब इतने सारे लोगों से मैं मिला तो मैंने देखा कि सिर्फ दो ही टाइप के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं और दूसरे जो अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान है, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों में मेजर डिफरेंस क्या था? क्या उनकी सोच अलग थी, उनकी आदतें अलग थी? हाँ, मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने पाया और वो था उनकी शब्दावली, की वोकैबलरी में। जो सफल से सफल लोग थे वो कुछ ऐसे वोकैबलरी को यूज करते थे, शब्दों को, जिस वजह से वो उस ऊंचाई को पा रहे थे। इस वीडियो को अंत तक देखिए तो मैं आपको सिखाऊं कि वो वोकैबलरी को कैसे आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू चेंज योर लाइफ चैप्टर 5। एक बार कुछ 20 मेंढक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और मेंढक जो है वो कूद कर आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि उसमें से 5 मेंढक एक कुएं में गिर गए और जो 15 ऊपर बचे हुए थे वो कहने लगे कि कुआ काफ़ी गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे, अब पूरी ज़िंदगी तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा और इधर ही तुम मर जाओगे। अब 5 मिनट के बाद पहले वाले मेंढक ने कोशिश करना बंद कर दिया, दूसरे ने 10 मिनट के बाद, तीसरे ने 15 मिनट के बाद, चौथे ने 20 मिनट के बाद, मगर वो 5वां जो कुएं में गिरा हुआ था वो कोशिश करते गया। जो ऊपर बचे हुए थे वो उसे समझाते हैं कि भी दूसरे समझ गए, तू क्यों नहीं समझ रहा, तू कभी भी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, तुझे पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा। अब वो जो 5वां था अभी भी कोशिश करते गया और एक वक्त आया जब 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद अचानक से वो बाहर निकल आया और उसके आसपास सभी हैरान परेशान कि उसने ये कैसे कर दिया। और नतीजा ये मिला कि वो जो 5वां बाहर निकल के आया था वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। तो उसे तो ऐसा लगा कि जो ऊपर बचे हुए थे वो उसे कह रहे थे कि तू अभी भी कोशिश कर, तू बाहर निकल सकता है। वो कोशिश करते गया और बाहर निकल आया। इस कहानी से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शब्दों का इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा होता है। मैं जब 26 से ज़्यादा देश घूम चुका हूँ, जब मैंने 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि दो ही टाइप के लोग हैं, एक सफल और एक स्ट्रगलर। और ये जो स्ट्रगलर है ना, उनकी वोकैबलरी कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रहती है। अब ये नेगेटिव वोकैबलरी की इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर कैसे होती है, आइए वो समझते हैं। एक इंसान सुबह उठा, उसकी बीवी ने पूछा, आज आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सब ठीक तो है ना? एंड ही इज़ लाइक, नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो तैयार होकर जब ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में किसी ने उससे पूछ लिया कि भाई कुछ ठीक नहीं लग रहे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? एंड ही इज़ लाइक, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्युटली फाइन। उसके मैनेजर ने उसको देखा और पूछा कि सब कुशल मंगल, तुम्हारा थोड़ा चेहरा ढीला सा नज़र आ रहा है, तुम डल से नज़र आ रहे हो। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मगर जब ये तीसरी बार कहा गया, फॉर श्योर अब वो बाथरूम में जाकर एक बार आईने में चेक करने वाला है कि भाई मुझे हुआ क्या है। कहीं ना कहीं वो शब्दों की इफ़ेक्ट उस पर आना शुरू हो गई। फ्रेंड्स, हमें समझना ज़रूरी है कि हम रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में जो भाषा का उपयोग करते हैं उसकी इम्पैक्ट हम पर सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपकी वोकैबलरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। मेरी बुक चेंज योर लाइफ में मैंने 10 ऐसे मैजिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, प्लीज़, जब कभी भी आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप दिखाते हैं पोलाइटनेस, काइंडनेस, सिंपथी। आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं और आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। ज़्यादातर जगह देखा जाता है जब आप किसी से सीधा कहते हैं मेरे लिए पानी लेकर आ, उसके बजाय कहना प्लीज़ मेरे लिए क्या पानी लेकर आएंगे, या फिर किसी को ये कहना ये रख दे, या फिर प्लीज़ ये रख दीजिए, क्या मुझे प्लीज़ एक रोटी मिल जाएगी। तो आप देखिए कि जब आप प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपने सामने वाले की कदर की, रिस्पेक्ट की, आपने उसे ऑर्डर नहीं दिया। और जब आप प्लीज़ शब्द का उपयोग रूटीन लाइफ में करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले को आप एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं और वो खुशी से अपना काम करना पसंद करता है। दूसरा मैजिकल एक्सप्रेशन है एंड दैट इज़ थैंक यू। अब ये दो शब्द
इतने पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कोई पावरफुल वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जो पावर थैंक यू शब्द के अंदर जुड़ा हुआ है। अब आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, आभारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके रेफरेंस में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जब भी आप थैंक यू बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर है। आपको नहीं लगता कि आप थैंक यू तभी बोल सकते हैं जब आप कुछ पॉजिटिव देख पाए हैं, राइट? अब जब आपने पॉजिटिव पर फोकस किया और आपने थैंक यू बोला तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ये रिसर्च बताता है कि ग्रेटफुल होने से नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं, स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। उसी के साथ आप एक चीज़ आज से शुरू कीजिए, एक डायरी बनाइए। हर रात सोने से पहले उस डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं भगवान का आभारी हूँ क्योंकि, मतलब कि एक डायरी लेकर के सोने से पहले आपको सबसे पहले एक रात को वाक्य लिखना है कि मैं भगवान का आभारी हूँ क्योंकि, और उसके बाद आप वो सारे पॉइंट्स लिखिए जो आज के दिन में अच्छे अच्छे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी तो लिखिए उसमें। अगर आज आपको कहीं पर डिस्काउंट मिल गया तो लिखिए वहाँ पर। आज आपने कुछ बेहतरीन काम कर दिया तो लिखिए। आज आपका 2 किलो वजन कमाया तो लिखिए। कहने का मतलब, कुछ भी पूरे दिन में जो अच्छा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी में लिखना शुरू करें सोने से पहले। आपको पता है जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो रात को आधा घंटे पहले जो सोने का वक्त है, तब आप जो सोचते हैं, जिस चीज़ पर आपका फोकस होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो 90% माइंड है आपका, उसमें उतर जाता है। अब ज़्यादातर लोग क्या सोच कर, क्या बातें करके सोते हैं? मे भी पूरे दिन में क्या गलत हुआ, कहाँ पर वो परेशान हुए, कहाँ पर कुछ गलत हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, कल मुझे ये करना है। तो ये सारा नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस को छोड़ करके हर रात सोने से पहले जब आप ये ग्रैटिट्यूड डायरी लिखेंगे कि आज के दिन में हुआ क्या अच्छा, और फिर आप सोने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगा। सी, वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ अवर प्रोग्रामिंग, मतलब कि हमारा जो भी स्वभाव है वो बरसों से हमने जो देखा, सुना और अनुभव किया है उससे खड़ा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर आज जब मैं आपको सिखा रहा हूँ वोकैबलरी चेंज करना, तो आपको नहीं लगता कि आपने अभी तक अपने माँ बाप और अपने परिवार से जो शब्दावली को पाया है उसी को आपने आगे यूज़ किया है अपनी लाइफ में? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्लीज़ शब्द को सुना ही नहीं है, अपने आसपास किसी को देखा ही नहीं है यूज़ करते हुए, तो आप कैसे उसे यूज़ करेंगे? या फिर थैंक यू का प्रयोग अगर आपके आसपास ज़्यादा लोगों ने कभी किया ही नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, तो शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे कहूँ दोस्तों, रोज़ बरोज के जीवन में जहाँ कहीं भी पॉसिबल है, छोटे से छोटे काम के लिए थैंक यू का यूज़ कीजिए। कोई आपको पानी सर्व कर रहा है, थैंक यू। किसी ने आपके लिए बढ़िया सा खाना पकाया, थैंक यू। आपको चाय दी, थैंक यू। किसी ने आपके लिए दरवाज़ा ओपन किया, थैंक यू। छोटी से छोटी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होते जाएंगे उतना आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। सी, प्लीज़ या थैंक यू किसी और के लिए नहीं बोलना है। आई विल टेल यू दिस गाइस, कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी ही लाइफ में और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करके लेकर आने वाला है। सी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जो एनर्जी बाहर देंगे उसी एनर्जी को हम वापस पाने वाले हैं। तो थैंक यू बोलना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन को वो अट्रैक्ट करने वाली है। तीसरा मैजिकल एक्सप्रेशन जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़ सॉरी। अब सच कहूँ, जब आप गलती करते हैं तभी सॉरी नहीं बोलना है। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम सॉरी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। एक्चुअली सॉरी इज़ अ एक्सप्रेशन, इज़ अ फीलिंग। वो सिर्फ तभी नहीं बोलना है जब आपने कुछ गलत किया। आपको इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करना है इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी को फील कर पाए। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किसी को मिलते हैं, देखा कि उसने कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा डाला था, कुछ लॉस हो गया, तो आप तुरंत कहते हैं, ओह सॉरी टू हियर दैट, मुझे दुख हुआ ये जान करके। या फिर यू नो, आप मान लीजिए किसी को मिले, उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड यू आर लाइक, ओह सो सॉरी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। या फिर यू नो, जब कोई शेयर कर रहा है कि यार पता नहीं मेरी बीवी के साथ मेरा सेट नहीं हो रहा, हमारे विचार मैच नहीं हो रहे, ओह आई एम सो सॉरी यार, जानकर मुझे दुख हो रहा है। तो आप देखिए कि सॉरी इज़ एन एक्सप्रेशन कि जो आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आप किसी को सिंपथाइज करना चाहते हैं, एम्पथी देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ आपको पता है
ये इतना पावरफुल है कि जब आप सही जगह पर यूज़ करेंगे तो आपके रिश्तों को बहुत पावरफुल बना सकता है। मैंने देखा है लोग पहले तो अपनी गलतियों को स्वीकारने को एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं होते, दूसरा अगर गलती देख भी पाते हैं तो वो सॉरी बोलने की जो हिम्मत जुटानी होती है वो जुटा नहीं पाते। मेरा वर्कशॉप चेंज योर लाइफ जो दो पूरे दिन का मेरा सिग्नेचर इवेंट है, आपको पता है उसमें सेकंड डे पर मैं रिलेशनशिप का एक स्पेशल टेक्निक करवाता हूँ, और उस टेक्निक के दौरान जब वो पूरा टेक्निक ख़त्म होता है ना, उस मेडिटेशन के अंत पर ज़्यादातर लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और लोग रियलाइज़ करते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को, कितने सारे लोगों को एक्चुअली सॉरी कहने की ज़रूरत है, बिकॉज दे रियलाइज़ कि कितनी बार हम उन्हें टाइम नहीं दे पाए हैं, कितनी बार जब उन्हें ज़रूरत थी तब हम साथ नहीं दे पाए, कितनी बार जब वो चाहते थे कि हम उन्हें समझें मगर हम समझ नहीं पाए थे, या जाने अनजाने में हमने उनका कभी इंसल्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया। फ्रेंड्स, इस रियलाइजेशन के साथ जब लोग मेडिटेशन में से बाहर निकलते हैं तब हम उनसे कहते हैं कि वे फ़ोन करो और उस इंसान को फ़ोन पर सॉरी बोलो, और ज़्यादातर लोग जब वो फ़ोन कॉल करते हैं और वो सॉरी बोल कर जब वापस आते हैं ना फ्रेंड्स, तब लोग मुझसे शेयर करते हैं कि कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस वो उनके लिए था, जैसे कि उनके सिर और कंधों के ऊपर जो बोझ था ना वो दूर हो गया। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है जब किसी के प्रति कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा जब हमारे अंदर रहता है और हम उसे रिजॉल्व नहीं करते हैं सॉरी बोल करके, या कोई गलती है अगर वो शेयर ना कर दे और वो गिल्ट अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो फ्यूचर में डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है और कोई बड़ी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा जो मेरा अपकमिंग चेंज योर लाइफ वर्कशॉप होगा उसे ज़रूर अटेंड कीजिए। और फिलहाल तो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले रहा हूँ जो आप घर बैठकर अटेंड कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को सॉल्व भी कर सकते हैं और ये सॉरी बोलने की हिम्मत भी जुटा सकते हैं। चौथा मैजिकल एक्सप्रेशन है आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे आसपास जो भी लोग जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन को यूज करना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे कि आपका बच्चा जब शेयर करता है कि पापा मेरा एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब आपका बड़ा बेटा शेयर करता है पापा मैंने ये वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर और आपको पता है मुझे इतने सारे लाइक्स मिल गए, ओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने इतना बेहतरीन वीडियो बनाया। जब कभी भी आपके आजू बाजू कोई भी कुछ अच्छा करता है तो ये कहना दैट आई एम प्राउड ऑफ यू इज़ जस्ट एन अमेजिंग एक्सप्रेशन। कभी कोई मेहमान आपके घर पर आए, वो तारीफ़ करते हैं खाने की, तो आपका ये कहना दैट आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ कि जो इतना बेहतरीन खाना बनाती है। फ्रेंड्स, आई रिमेंबर मैं एज अ इंडियन, एज अ गुजराती, आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं US जा सकूँ, ये 2015 की बातें हैं, और फॉर्चून 500 कंपनीज में, मतलब दुनिया की पहली 500 कंपनीज में जिसका नाम आता है, ऐसी एक कंपनी डंकिन डोनट्स को मुझे लास वेगस में एक लेक्चर, एक सेशन देने का मौका मिला था, उनको शेयर करने का कि कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और वो सारे ओनर्स जब सामने बैठे थे उसमें 2-3 सिर्फ इंडियंस थे और पूरा सेशन कम्प्लीट हुआ, और चाहे वहाँ पर अमेरिकन्स ने मेरे लिए कितनी भी तालियाँ बजाए बट तब मुझे उतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी खुशी तब मुझे मिली जब पूरा सेशन ख़त्म हो गया, और सेशन के बाद जब लोग मुझसे मिल रहे थे तब वो इंडियंस जब मुझे मिले, मिल करके जब उन्होंने मुझसे कहा कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप एक इंडियन हो करके इतनी बड़ी कंपनी को और इतने बड़े ओनर्स को ये सेशन दिए, और तब सच बताऊँ वो मोमेंट और वो अवार्ड मुझे जो स्टेज पर मिला था ना, तब मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी तब हुई थी जब एक इंडियन ने ये कहा कि सर हम प्राउड है कि आप एक इंडियन होकर के यहाँ पर ये सेशन ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ना प्राउड का, हर एक इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है इस फीलिंग को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, और तब जब कोई उसे ये कहता है तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, अब एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट है उसमें ये कहना दैट आई एम प्राउड ऑफ़ यू, या फिर आपके हस्बैंड या आपके फादर यू नो कितनी मेहनत करते हैं, हर दिन काम पे जाना, पैसा कमाना, कमा करके चीज़ों को घर लेकर आना, तब ये कहना दैट डैडी आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू,
फ्रेंड्स इट मेक्स अ टोटल डिफरेंस। एक तरीके से सामने वाले ने जितनी भी मेहनत की थी, जितना भी पेन उठाया था ना, वो सारे पेन से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन नो जब भी अपने सेशंस में मैं ये कोरोना के बाद डॉक्टर्स के लिए कहता हूँ दैट वी आर सो प्राउड ऑफ आवर डॉक्टर्स की जो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी जान बचा रहे हैं, एंड दैट्स वेयर आप देखिए कि डॉक्टर्स के अंदर जो एक फीलिंग में चेंज आएगा ना, सच कहूँ उन्होंने जितना भी काम किया है वो सारा मेहनत का जो दर्द है वो दूर हो जाता है, जैसे कि थकान दूर हो जाती है। इट इज़ इक्विवेलेंट कि एक तरीके से किसी ने आकर के आपके बॉडी को मसाज दे दिया, राइट। एंड फिफ्थ एक्सप्रेशन जो बहुत ही मैजिकल है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। दोस्तों जब कोई आया, जब कोई मिला, तब ये कहना हाँ बताओ क्या काम था या फिर क्यों आए हो, इसके बजाय ये कहना कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसे भी नहीं What can I help you with? नहीं, help नहीं। जब आप help शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ ज़रूरत है। नहीं, आप ये कह रहे हैं What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। In a way आप ये कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ। You know, servant leadership के ऊपर का एक amazing concept है, आपको उसको सर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भगवान राम, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, ये जो भी महान आत्माएं इस दुनिया में हो चुकी है ना, वो सारे सर्वेंट लीडरशिप में बिलीव करते थे। मतलब कि उनका लीडरशिप उनके पोजीशन का, गद्दी का या नाम का नहीं था, उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों के लिए अपनी पूरी जीवन को बिता दिया, जिस वजह से लोग उनको लीडर मानते थे, क्योंकि वो सेवा करते थे, कर्म में बिलीव करते थे, भला करने में बिलीव करते थे। मैं चाहता हूँ आप भी एक ऐसे इंसान बन जाए जो सर्वेंट लीडरशिप में बिलीव करे, और जब कभी भी मौका है तब आप सामने वाले से ये पूछे कि मैं कहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ, और फिर वो आदमी जो भी मांग रहा है, कह रहा है, उसमें से जो भी आपसे पॉसिबल है करो। बट दैट मेक्स अ टोटल डिफरेंस। लाइक यू नो, जब मेरे लेक्चर्स, मेरे सेशंस के बाद कोई मुझसे मिलता है और जब मैं उनसे कहता हूँ यस बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अचानक से वो इंसान जो एक टेंशन में, स्ट्रेस में मेरे पास आया था एक प्रॉब्लम लेकर के, या फिर उसका टेंशन ये भी था कि यार सर से मैं कैसे बात करूँगा, या सर इतने बड़े इंसान हैं तो क्या वो मुझे वक्त देंगे, और जब मैं मिल करके ये कहता हूँ कि बताइए मैं आपकी कहाँ पर मदद कर सकता हूँ, वाह, यू नो, इट मेक्स सो ईजी फॉर देम। और मैक्सिमम लोगों का फीडबैक मुझे ये मिलता है कि सर आपसे मिलकर ऐसा लगा कि कोई दोस्त को मिले हैं, या फिर आपको देखा तो ऐसा लगा कि यू नो कोई फैमिली मेम्बर है जिससे मुलाकात हुई, कहीं पर भी ये फीलिंग नहीं आया कि कुछ मुश्किल है या आपको बताने में कोई झिझक नहीं हुई। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैजिकल एक्सप्रेशंस मैंने अपनी बुक में शेयर किए, बट पॉइंट पता है क्या है, अपनी भाषा को ऐसी बनाओ, अपनी वोकैबुलरी को ऐसी बनाओ कि जब कभी भी कोई आपसे मिले और आपसे बात करे ना, तो उसको मज़ा आ जाए, उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब आपने देखा होगा दो टाइप के लोग, एक जिनसे आप मिलते हैं ना तो बातें कुछ ऐसी होती है जो उसको मिलने के बाद आपका एनर्जी डाउन हो जाता है, आप जैसे डिप्रेस हो जाते हैं, आई मीन फीलिंग आता है यार इससे वापस बात ही नहीं करनी है। और कोई ऐसे लोग जिनको मिलकर जब बाहर निकलते ना तो ऐसा आता है यार कि जो विश्वास मेरे अंदर कम था ना, उसने विश्वास भर दिया, या फिर जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई थी दूर हो गई, या फिर अब ऐसा लग रहा है कि यार वो जो गोल मैंने सेट किया था ना 100% मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। चलिए मुझे बताइए कमेंट में कि आज का ये जो वीडियो है उसके बाद आपकी एनर्जी में क्या हुआ, क्या आपकी एनर्जी डाउन हुई है, बढ़ी है, और आपने क्या सीखा, आपने क्या फील किया, जिससे मुझे भी पता चले ना कि मेरी वोकैबुलरी आज के वीडियो में कैसी थी। अब जब आप ये कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ पावर ऑफ अफर्मेशंस। मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर जब वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तब हर एक पंच के साथ कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बड़े बड़े एथलीट्स, सुपर सक्सेसफुल लोग भी अपने मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं। आपको लाइफ के हर सेगमेंट में, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी, सक्सेस के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलने चाहिए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में दोहराएंगे उतना आपकी लाइफ बेहतर होने वाली। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वर्कशॉप के अंदर एक मैजिकल स्टेटमेंट देता हूँ, डे बाय डे इन एवरी वे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। क्या मतलब है, हर दिन मैं हर तरीके से बेहतर होते जा रहा हूँ। अब ऐसे ही कुछ मैजिकल फ्रेजेस आपको अफर्मेशंस के रूप में मैं देना चाहता हूँ, टोटली फ्री में, जो आप पा सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या iOS फ़ोन में, यानी कि आईफोन के अंदर जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में, उसमें चले जाइए और वहाँ पर यू नो सर्च कीजिए स्नेह देसाई।
और वो सर्च करने पर आपको मेरा एक ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, टोटली फ्री है। और उसमें अफर्मेशंस बोल करके अलग अलग टॉपिक के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में अफर्मेशंस रिकॉर्डेड मिलेंगे। जब कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, उसको ऑन कर दो धीमी आवाज़ में, जैसे कि बैकग्राउंड में मंत्र बज रहा है। और जब आप वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीटेटिवली सुनेंगे, आपका सबकॉन्शियस सुनते रहेगा। भले आप किचन में काम कर रहे हैं, भले आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट धीमी आवाज़ में जब वो बैकग्राउंड में बजते रहेगा, तो आप देखेंगे कि उसका सबकॉन्शियस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको उसके साथ कुछ एक्शन प्लान्स भी देना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप ये सारे वीडियोस मेरे देख सके। क्योंकि अभी तो मैं चैप्टर 5 में हूँ और 5 चैप्टर्स बाकी है, जिसके ऊपर मेरे वीडियोस बहुत ही जल्द आ रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और उसे शेयर कर दीजिए। मैं आपको 3 एक्शन प्लान दूँ, उससे पहले एक एक्शन देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि हमारे आजू बाजू के लोगों की भी जब भाषा पॉजिटिव होगी ना, तो उसका इफ़ेक्ट भी हम पर आने वाला है। अगर हम सिर्फ अकेले ही पॉजिटिव बोलेंगे तो उससे काम नहीं होने वाला है, तो वो शेयर बटन को हिट कर दीजिएगा। 3 एक्शन प्लान। नंबर 1, आप किसी ना किसी को जाने अनजाने में अगर हर्ट किए हैं, दुख पहुँचाए हैं, या किसी के साथ अपना रिश्ता और बेहतर करने की ज़रूरत है और वो इंसान कहीं आपसे दूर है, तो उस इंसान को फ़ोन करो और दिल से सॉरी कह दो। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि चेंज योर लाइफ वर्कशॉप का मेरा पूरा टेक्निक अटेंड कीजिए, रिलेशनशिप का सेशन। बट अगर आज मेरी बातें आपके दिमाग में बैठी है, तो मुझे पता है कि आप ये कर पाएंगे। दोस्तों, ये मुश्किल भी नहीं है। आप जेन्यूनली अगर किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो जाने अनजाने में कभी भी आपने गुस्सा किया, नाराज़गी दिखाई है, तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, मैं चाहता हूँ आप हमेशा एक डायरी अपने पास रखिएगा, जिसमें कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी है, या आप हर्ट हुए हैं और कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि उस डायरी में लिख लो। जब आप लिखोगे तो वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी और फिर उसको या तो आप फाड़ के फेंक दो या फिर कहीं एक यू नो ट्रैश में डाल दो। बट बेसिकली बोलकर किसी को नेगेटिविटी देना, उससे बेहतर है कि वो लिख करके अपने अंदर से बाहर निकाल दिया कि जिससे कचरा बाहर निकल जाए, और फिर उसे कचरे में फेंक दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर केस में हमारा गुस्सा बहुत टेम्पररी होता है। आपको पता ही है कि वो जो टॉक्सिसिटी है, वो एक बार बाहर निकल जाए, हम खाली हो जाए ना, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे वैसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो ख़राब व्यवहार हो, उससे बेहतर है कि लिख करके उसको बाहर निकाल करके फेंक दो। और तीसरा, गेम ऑफ अप्रिसिएशन। मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली, अपने ऑफिस के साथ आप एक गेम खेलिए, जब वन बाय वन हर एक का राउंड आएगा और उसके बारे में सभी को कुछ ना कुछ उसकी तारीफ करनी है, अप्रिशिएट करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर मम्मी का राउंड आया है तो आप शेयर कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा खाना पकाते हैं, या फिर कोई शेयर कर रहा है कि मम्मी हमेशा यू नो समझ जाते हैं कि हमारे दिल की बातें क्या है, या हमारे प्रॉब्लम्स को वो यू नो ईजिली एक्सेप्ट करके हमारी मदद करते हैं। तो जब कभी भी आप ये गेम खेलेंगे ना, जैसे यू नो लेट्स से कि आपके बच्चे के ऊपर राउंड आया और आप शेयर कर रहे हैं कि बेटा तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, तुम बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही इनोसेंट और नादान हो, तुम्हारे दिल में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है, तो आप देखेंगे उसका नतीजा ये आएगा कि वो इंसान जो आपके आजू बाजू है ना, उसके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी भर जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक को यूज़ किया? पॉजिटिव वोकैबुलरी को यूज़ किया ना, राइट? तो जब आप शब्दावली चेंज करेंगे और अप्रिसिएशन की ओर लेकर जाएंगे ना, तो सामने वाले का जो काबिलियत है वो बहुत जल्दी और खुलकर बाहर निकल आता है। अगर आप अपने ऑफिस में ये ट्राई करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो आप देखेंगे कि उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल डबल होने लगता है। इसी आपके ऑफिस में भी एक रूल याद रखिएगा, आपका बंदा आपके साथ इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए काम कर रहा है, वो है इज्जत। और जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सैलरी से कई गुना बढ़कर होता है। सो डू दैट रेगुलरली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।